यूके की संसद में भारत का डंका। जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। आई एम नॉट अ मलाला यूसुफजई, आई एम नॉट अ मलाला यूसुफजई, बिकॉज आई एम फ्री एंड आई एम सेफ इन माय कंट्री इंडिया, इन माय होमलैंड कश्मीर व्हिच इज पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि भाई अब तो कश्मीर हमारा है और हम कश्मीर को सवार के ही रहेंगे, चाहे तो कोई जलता है, चाहे तो कोई बोलता है और चाहे तो कोई कुछ करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। मैडम, इंडिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे बगैरत वजीर आजमों को एक दफा कश्मीर दे दो। रोटी बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेनें कहाँ से चलाएंगे? कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं आता फॉर वन रीजन और अनदर तो पाकिस्तान डूब जाए। जितना इन्होंने आजाद कश्मीर तबाह कर दिया उतना जम्मू कश्मीर भी तबाह कर देंगे। यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रिक बाइक नहीं है चला सके और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलाना तो बहुत दूर की बात है। 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। सर तो पड़ोसी इतने तरक्की करके हमें क्या बीमारी है, हम क्यों नहीं आगे बढ़ रहे? इस नाजुक मौके के ऊपर जब सारा पाकिस्तान लड़ रहा है, भारत के वो जो नॉर्दर्न कमांड के जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं आज हमें अगर हुकूमत मौका दे तो हम तो जाब आजाद कश्मीर को आज जो है वो कैप्चर कर। बेसिकली गिलगित बल्टिस्तान का हूँ। अच्छा, गिलगित से जबरदस्त। गिलगित बल्टिस्तान में बड़ी हड़तालें होती हैं पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ। बहुत बहुत ज्यादा हड़तालें हो रही हैं। उन लोगों ने जो है ना ये गंदम के बारे में हमारे गिलगित बल्टिस्तान में सारे रोड पे आए हुए हैं, ठीक है। आटा नहीं है, आटा खाने के लिए आटा नहीं है। इतना मुश्किल से लोग जी रहे हैं कि ये गंदम मतलब अभी 7 kg दे रहे थे पहला एक आदमी का कोटा, अभी काट के 4 kg 3 kg पे आ गए और वो भी इतना महंगा महंगा और वो भी नहीं मिल रहा है। क्या रेट है आटे का गिलगित में? गिलगित बल्टिस्तान में इस वक्त तो सबसे पहली बात वो मिल ही नहीं रहा है। जब मिलेगा है ही नहीं, है ही नहीं। जब बड़ी मुश्किल से मिलेगा तो अभी कह रहे हैं कि हम 3,000 का वो बोरी कर देंगे, ठीक है 4,000 का कर देंगे 20 kg की। जी इस तरह कह रहे हैं। तो बहुत लाहौर में मिल रहा है आटा, लाहौर में कितने का मिल रहा है? 20 kg का जो थैला है वो 3,000 का मिल रहा है। अच्छा, गिलगित बल्टिस्तान से हमने वीडियो देखी जब आपने कहा था कारगिल कर दू तो खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, तो ये अगर कर्दू का ये हाल है, गिलगित बल्टिस्तान का ये हाल है, तो इंडिया के कश्मीरी कैसे आएंगे हमारे पास? बस ये तो ये हमारे हुक्मरानों की मेहरबानी से इस तरह हो रहे हैं भाई जी, ठीक है। अगर ये सही हो जाएंगे, कौम को सुधारेंगे तो ये कौम ये मुश्किलों से निकलेगा। गिलगित बल्टिस्तान में रोड और स्कूल्स का क्या हाल है ये बताएं? रोडों का भी बुरा हाल है अभी। अच्छा। कुछ दिन में ये बारिश बर्फबारी भी हो रही है, जलजले भी आ रहे हैं, सारे रोड जलजले भी आ रहे हैं। जी जलजले भी आ रहे हैं, रोडों का सत्यानाश हुआ है, अभी रोड ब्लॉक है हर जगह से, तो आवाम बहुत मुतासर है। रोड नहीं बने या फिर स्कूल, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेज, कोई कारखाने, कोई दफ्तर, कोई कुछ थोड़ी बहुत है, स्कूल है, छोटे मोटे स्कूल है, ये बड़े कॉलेज वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटीज नहीं है उधर पे मौजूद नहीं है। अभी बच्चे जा रहे हैं जो छोटे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, पढ़ाई भी का भी इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं गिलगित बल्टिस्तान को भी थोड़ा तवज्जो दें, ठीक है। बिल्कुल, बल्टिस्तान बहुत बड़ी पावर है पाकिस्तान की, अगर हम इसके ऊपर काम करें तो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज्यादा पावर है लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं, ठीक है कि नहीं है? कर नहीं रहे हैं तो उधर आवाम जो है बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं, अपना वक्त गुजार रहे हैं। अभी तो वो मुश्किल वक्त से गुजारना भी मुश्किल हो गया क्योंकि आटा नहीं मिल रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं। बार फिर हम IMF के दर पर हैं लोन लेने के लिए। ये दो अलग अलग कंट्रीज हैं, एक है भारत जिसके साथ पहले पाकिस्तान हुआ करता था और उसके बाद 1947 के बाद हमने जी इस्लाम के नाम पर या रिलीजन के नाम पे हमने एक नई कंट्री बनाई और उसके बाद हम बना तो ली लेकिन हम उसे मैनेज नहीं कर पाए। भारत दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी हो जो हमेशा से मुझे पसंद है और मैं डॉक्टर जयशंकर की बहुत बड़ी फैन हूँ, ये तो मैंने हमेशा ही कहा है। और अगर इकोनॉमी को देखें तो इकोनॉमी वाइज भी भारत जो है वो कहीं आगे है पाकिस्तान से, बल्कि इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं उनसे हमें भारत बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 2027 तक की का टाइम दिया गया है
कि जी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो भारत बन जाएगा, यानी भारत वाले एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, चीजें बना भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से लोग आके पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर हो या भारत के बाकी इलाके हो। आप देख सकते हैं कि बाकी एरियाज में भी कहीं ना कहीं से कभी गल्फ कंट्री के और कभी कहीं के लोग आते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सिक्योरिटी है उनको, उनको मालूम है कि अगर ये पैसा हम यहाँ लगाएंगे तो हमारा पैसा हमें वापस मिल जाएगा और उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट भी होगा। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो हर बार यही कहता है, पहले जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी इमरान खान से पहले और उसके पहले भी जितनी बार नवाज शरीफ साहब आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने हमेशा यही कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा। आप लोग कहेंगे कशकोल क्या होता है, जी हाँ वो जिसमें भीख मांगते हैं उस बाउल को जो है वो कशकोल बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान कशकोल तोड़ देगा, लेकिन हर बार तोड़ के उससे कहीं बड़ा कशकोल जो है वो बना लिया गया। और एक बार फिर पाकिस्तान दर दर सिर्फ IMF की बात नहीं है, कभी चाइना और कभी सऊदी अरब और कभी वर्ल्ड बैंक, हर एक के आगे हम कटोरा लेके घूमते रहे। उसके बाद इंडियन मीडिया ने और कई लोगों ने हमें जिस वक्त इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कटोरा खान और पता नहीं क्या क्या कहना शुरू किया, जिसपे हमें बहुत बुरा लगता था। मैं खुद भी टीवी शोज में जाती थी और मैं कहती थी नहीं नहीं ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को कटोरा खान मत कहा करें। ये और बात है कि जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए सबके सब जो है वो किसी ना किसी कंट्री या किसी ना किसी वर्ल्ड बैंक IMF के सामने हमें कटोरा लेकर ही खड़े दिखाई दिए। लेकिन एक बार फिर अभी नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने जा रही है, अभी पूरी तरह से कैबिनेट बनी भी नहीं है, कहा यही गया है कि जी कैबिनेट बन जाएगी लेकिन हमें मालूम है कि किस तरह की आएगी। वही 70 से 80 लोग लाके शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मर्जी के लोग लाएंगे, अपने जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं या पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग उनके हैं, जाहिर जो पैसे वाले उनके साथ जिन्होंने इलेक्शंस लड़े हैं या जो उनको फंड करते हैं उनको लाया जाएगा, उनको कोई ना कोई सीट दी जाएगी, हर कोई मिनिस्ट्री मांगेगा उसको वो दिया जाएगा। शहबाज शरीफ का भी हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है, नवाज शरीफ भी कहते थे कि जी अपने पूरे खानदान को जो है पार्लियामेंट में पहुंचा दिया था उन्होंने, और अभी एक बार फिर हम वही कुछ होता हुआ देखेंगे। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी, उसके बाद जी इनको बड़ी बड़ी गाड़ियां लॉट की जाएंगी, फिर गाड़ियां खरीदी जाएंगी दोबारा जो इमरान खान ने बेची थी। लेकिन इमरान खान ने गाड़ियां बेचकर, जब इमरान खान आए थे उन्होंने कहा नहीं मैं भैंसे बेच दूंगा, मैं गाड़ियां बेच दूंगा, जी हम बड़ी सादा जिंदगी गुजारेंगे, प्राइम मिनिस्टर हाउस को जी हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तो प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया गया ना ही कोई खास काम हुआ। इमरान खान ने जरूर भैंसे से बेची और उसके बाद गाड़ियां बेची और वो गाड़ियां बेच के उससे कहीं ज्यादा तादाद में कहीं ज्यादा महंगी गाड़ियां दोबारा खरीद ली गई। हमारे इस वक्त भी जो कैबिनेट आने वाली है, जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की जा रही है, बनाई जा रही है, उसका यही हाल है कि वो आएंगे और आने के बाद सबसे पहले जितने उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जितने भी करीबी लोग हैं उन सबको जो है वो कह दिया जाएगा कि जी आइए और अपनी मर्जी की आप मिनिस्ट्री ले लीजिए। फिर जाहिर है जो छोटी पार्टी इनके साथ आके मिलेंगी उनसे भी कहा जाएगा कि आइए आइए और बिल्कुल आपको जो मिनिस्ट्री चाहिए वो हम आपको देंगे, ताकि कुछ दिन के लिए सही, कुछ महीनों के लिए सही, 1.5-2 साल के लिए सही, लेकिन गवर्नमेंट चल सके। और इसी तरीके से खर्चे जो हैं वो आसमान को छूने लगेंगे। एक बार